अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप देखेंगे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सऊदी अरब से इंडिया, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे हम लोग ट्रैवल करते हैं। अभी मैं फ़्लाइट में बैठ गया हूँ, एयर अरेबिया की फ़्लाइट है, तो ये मैं अभी फ़्लाइट में बैठ गया हूँ। अभी हमारी फ़्लाइट जो है ये बुरैदा से उड़ान भरेगी शारजा के लिए, शारजा जो यूएई का एक शहर है। अभी हम लोग यहाँ से शारजा जाएंगे, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ इंडिया हैदराबाद, आप लोग बने रहिए। अभी देखो हम लोग शारजा पहुँच गए हैं और यहाँ पे हम फ़्लाइट उतर के यहाँ से जा रहे हैं बस में। ये बस हमें लेके जाएगी एयरपोर्ट। अब क्योंकि ईद का सीज़न है, बहुत सारे फ़्लाइट्स आ गए हैं, तो हमको फ़्लाइट यहाँ दूर उतार दी है। तो हम यहाँ से देखो ये लोग गाइड कर रहे हैं, बसेस पूरे खड़े हुए हैं। ये बसेस में हम जा सकते हैं एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर, ठीक है। अभी मैं आ गया हूँ, यहाँ पर सीट मिल गई है मेरे को, तो मैं इस सीट पे बैठ जाता हूँ। जो जल्दी आ गए उन लोगों को सीट मिल गई है, ठीक है। अभी बहुत लोग आ रहे हैं, ये सारे लोग इंडिया जा रहे हैं। ये लोग जो है सऊदी से ट्रैवल कर रहे हैं। ये एयर अरेबिया की फ़्लाइट है जो अभी गसीम से आई है, ठीक है। तो यहाँ से जो है बहुत सारे लोग इंडिया जाएंगे, कुछ लोग शारजा में उतर जाएंगे, कुछ लोग अपने अपने डेस्टिनेशंस पे जाएंगे, जैसा कि सूडान है और दूसरे इजिप्ट है, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हैं मंज़र एयरपोर्ट का, शारजा एयरपोर्ट का मंज़र है ये। अभी हमारी बस यहाँ से जा रही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट शारजा, वहाँ से मुझे कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है इंडिया के लिए। तो आप लोगों को बस मेरा ये दिखाने का इरादा है मंज़र, हाउ वी ट्रैवल फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू इंडिया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतने सारे बसेस हैं। ये सारे बसेस जो है, जो भी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स होते हैं या फिर जो भी लोग पैसेंजर्स आते हैं उनको एयरपोर्ट पहुंचाने की ये बसेस की फैसिलिटी है। अभी हम लोग कुछ ही देर में एयरपोर्ट के अंदर पहुंचने वाले हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ मेरे इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग अभी यहाँ पे बस उतार दी है, हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से अब अपना अपना डेस्टिनेशन की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसको हमें पकड़नी पड़ेगी। अब बाज़ लोग है, जैसा कि मैंने बताया, इजिप्ट जाएंगे, सूडान जाएंगे या कोई भी कंट्री को जाएंगे, तो अपना अपना फ़्लाइट जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है वो पकड़ेंगे। तो हमारा फ़्लाइट है हैदराबाद का इंडिया के लिए, वो भी एयर अरेबिया की फ़्लाइट है। तो यहाँ से एलिवेटर से हम लोग, सॉरी एस्केलेटर से हम लोग जाएंगे ऊपर। वहाँ जाने के बाद में मुझे देखना होगा कनेक्टिंग फ़्लाइट का, जो एयर अरेबिया की जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है उसका गेट कौन सा है। तो ये देखिए अभी हम लोग ऊपर पहुँचने ही वाले हैं। पहुँचने के बाद ये देखिए हम अभी पहुँच गए हैं ऊपर, ठीक है। अभी मुझे देखना होगा कि हैदराबाद गेट नंबर 20। हैदराबाद जाने के लिए गेट नंबर 20 से जाना है।
जो भी सामान है अपने पास हैंड कैरी का, वो ऐसा एक बास्केट में डाल देना, स्क्रीन होके बाहर निकलता हूँ। बेल्ट, चप्पल, जूते, सब कुछ। तो अभी हम शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैं, ट्रांजिट एरिया है ये। मैं सऊदीया से ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं सऊदी से अभी शारजा में लैंड हुआ। 1 आवर के बाद यहाँ से मेरी फ्लाइट है हैदराबाद के लिए। ये वेटिंग एरिया है शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। अपने को 20 नंबर गेट पे जाना है। हैदराबाद 20 है। अगर जल्दी में शॉपिंग करना भूल गए अपन छुट्टी जाने के टाइम, तो यहाँ पर ड्यूटी फ्री में खरीद ले सकते हैं। ऐसा वेटिंग है। ट्रांजिट एरिया का मंजर ऐसा रहता, लोग आते रहते अपना अपना गेट ढूंढ लेते हुए। यहाँ पे जो है अभी गेट नंबर 20 पे कोलंबो जाने वाली फ्लाइट एयर अरेबिया की चेक इन हो रहे हैं। मेरा जो है ना हैदराबाद का फ्लाइट है, वो भी गेट नंबर 20 पे है इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद। इधर शारजा एयरपोर्ट में प्ले एरिया है बच्चों के लिए, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। फाइनली जो है बोर्डिंग हो गई है, मतलब चेक इन हो गई है हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए शारजा से। तो यहाँ से अभी बस में बैठ के एयरक्राफ्ट में ले गए आते। एयर अरेबिया ये बस में ले गए आते। फ्लाइट में ऑर्डर करे सो चिकन बिरयानी ऐसी रहती, ऐसा लागे थे ट्रे में, ये मैडम ने लाके दी है। तो अपन ऐसा आ गए बोले ऐसा हैदराबाद को, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। राइट में से उतर के अभी जा रहे हैं। लगेज लेना है अभी। वेलकम टू हैदराबाद। पहले बोल तो जल्दी निकल जाते थे इमिग्रेशन के पास, अभी एयर सुविधा कोरोना के जब से बहुत डिले हो रहा, अभी पूरे पेपर दिखाना करना। ये देखो कितनी लाइन लगी हुई है। यहाँ से एग्जिट होते बाहर। ज़िगज़ैग रखे ऐसा। अभी लाइन नहीं, पब्लिक नहीं है ना। अब यहाँ पे एयर सुविधा का फॉर्म बताना। तो अभी हम लोग इमिग्रेशन काउंटर के पास खड़े गए हैं। वहाँ से अभी कस्टम क्लियरेंस भी हो गया इमिग्रेशन के बाद, और यहाँ से हम लोग अभी एग्जिट हो रहे हैं। यहाँ से जाना है बैगेज लेने के लिए, बैगेज क्लेम। वेलकम टू हैदराबाद। एयर अरेबिया शारजा
तो ऐसा पूछ लेना, एक ट्राली ले लेना। ट्राली किधर है? ट्राली किधर है? एम्प्टी। यूएस की फ्लाइट आज ऐसा है, पहले इधर आके ट्राली ले लेना। यहाँ पे अपना लगेज आता, अपना कार्टून देख के उठा लेना। एयर अरेबिया का है ना ये? मेरा छे एक आ गया और एक आना है। बच्चे की स्कूटर आना है, तो स्कूटर अलग ला के देते हैं या तो ऐसा एयरपोर्ट के बाहर निकलने का जो मूवमेंट आ जाता ना लगेज वो लेने के बाद, तो पूछ नहीं सकते कैसी खुशी रहती। ये है एग्जिट एयरपोर्ट। अभी हम मंजर देखने वाले हैं हैदराबाद शहर का बाहर का। हेलो जी भाई, हम आ गए हैदराबाद। हैदराबाद आई एम हियर, वेयर आर यू? पब्लिक वेटिंग में है अपने अपने लोगों के लिए। अपन आ गए हैं एयरपोर्ट। तो फाइनली गाइस आई हैव रीच हैदराबाद एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट से बाहर निकलते जो खुशी रहती ना, वाह, एक साल के बाद में अपने वतन को आ गए तो एकदम से वो गर्मी में से निकल के वो मज़ा ही चावर रहता। एक साल इंतज़ार करे सो थकावट पूरी भूल जाते। देखो पब्लिक कैसा वेटिंग कर रही है अपने 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 घर वालों के लिए।